इवन दो ये प्रिडिक्शन होता है कि कुछ होने वाला है, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आप उस इंडियन कल्चर के हिसाब से भी अगर डॉग हाउल कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ होने वाला ही, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट इफ पॉजिटिव लो. भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है. हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है. एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर. गाइस ये ब्रीड से मिलाते हैं जो ज्यादा ओलिंग करती है लेकिन ओलिंग बुरी नहीं होती. आपके ऑनर, इनके ऑनर से आपको मिलवाते हैं जो ओलिंग का आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. और ये वन ऑफ दोस ओल्डेस्ट ब्रीड है. गाइस लुक एट द ब्रीड, ये होते हैं बहुत बहुत कम होते हैं इंडिया में. आई थिंक वन ऑफ द दोस्त एक हुई है होगा यहाँ पर जयपुर में. ये उनके ऑनर मिलते हैं. नमस्कार जी. हाँ जी मैडम, अपना नाम बताइए पहले. अदिति. अदिति. और गुड़िया का नाम? आदिरा. आदिरा मैडम थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में. ये बेसेट हाउंड है. बेसेट हाउंड. जर्मन में मॉन्क्स हुआ करते थे, उन्होंने क्रॉस ब्रीड किया था. तो ये ओरिजिनली ये जर्मन मॉन्क्स होते थे, अपने रैबिट्स को शिकार करना उनको ये सब. ये जो अपने ग्रे हाउंड्स होते थे ना, तो ग्रे हाउंड्स पहले शिकारी डॉग्स, ब्लड हाउंड्स. तो ब्लड हाउंड्स क्या करते थे, वो जब है ना वो साथ में रहते थे जर्मन मॉन्क्स के, तो मॉन्क्स शिकार के लिए जब जाते थे तो रैबिट्स जो होते थे ना वो झाड़ियों के अंदर घुस जाते थे. तो उन्होंने एक क्रॉस ब्रीड बहुत साल पहले डैश हाउंड और इसकी एक क्रॉस ब्रीड बनाई थी, वो बेसर टाउन कहलाई. तो ये क्या है कि इनके पैर छोटे होते थे ना, तो ये झाड़ियों में घुस के खरगोश को पकड़ के ले आते थे. तो वहीं से इस ब्रीड का. हाँ हाँ जी, बेसर टाउन. तो ये आपने अगर वो सूज आता है कौन सा है, हश पपीज, हश पपीज का ब्रांड देखा हो तो हश पपीज का ब्रांड एम्बेसडर है ये बेसर टाउन. और बहुत रेयर हो गया ब्रीड, आजकल लोग इसको पालते नहीं है क्योंकि ये ना हाउलिंग बहुत करता है. जब इसको अकेले छोड़ दो तब ये अकेला नहीं रहता, बहुत हाउलिंग करता है. मतलब ये बिना पेरेंट्स के नहीं रह सकता. इंडियन, तो हम अगर नहीं रहेंगे घर पे तो वो पूरे आसपास कॉलोनी वालों को मतलब यूं रोना शुरू कर देता है. इंडियन कल्चर के हिसाब से हाउलिंग बुरा मानते हैं. मेरे पास हस्की है और मैं ये चीज झेल रहा हूँ. बट मैं ये प्रिडिक्शन होता है कि कुछ होने वाला है, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आप उस इंडियन कल्चर के हिसाब से भी अगर डॉग हाउल कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ होने वाला ही, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट इफ पॉजिटिव लो. हाँ दिस इज माय ओनली मैसेज फॉर ऑल दोस पेरेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से, हाउलिंग डॉग्स के लिए आसपास सोसाइटी. हाँ आसपास सोसाइटी वालों के लिए उनके लिए यही मैसेज है. इफ इवन दो अगर आप इंडियन उसके हिसाब से भी चलते हो तो हाउलिंग डॉग जैसे हमने अपने दादा दादी से सुना है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यू बी प्रिपेयर्ड, है ना. वो सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी बैड, यू आप अपना वो रखो. बट ये जो अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखो, यू नो आप कहीं जा ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना सीट बेल्ट वगैरह लगा के रखो. कुछ बुरा होने वाला था उसका जस्ट इंडिकेशन देता है, जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस. दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन. बता सकता हूं कि आपने कहा बहुत कम है, महंगे भी बहुत है. हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता इसको. हां दिस इज, हां ये तो है. ये पंजाब में एक फार्म है जो इनको ब्रीड करते हैं, इसके अलावा और इंडिया में नहीं है. नो नथिंग हेल्थ इश्यूज इसको कुछ भी नहीं है. एज क्या है इसकी? 13 प्लस है. 13 आराम से रहे. इज वेरी एक्टिव, देख लो आप, थका भी नहीं अभी तक, पूरा घूम लिया है, स्टिल इज एनर्जी है इसमें. हाँ जी थैंक यू. एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना बहुत सारी. गाइस प्लीज
अवलिंग की वही है कि आपके पेट डॉग्स होते हैं तो लोग इनसेंसिटिव होते हैं पेट ओनर्स को लेके भी, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोग उनको हमारे लिए बच्चे जैसे हैं, तो हम हमारे को आप सुना रहे हो इसका मतलब आप हमारे बच्चे को लेके सुना रहे हो एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी. थैंक यू.